सो यस, जैसा कि मैंने कहा था, मैं थर्सडे को दोपहर 3 बजे आऊंगा सोनी लिव के साथ लाइव. सो आज मैं हूँ आप सबके सामने. एंड आप सबने जो पोस्ट की गई थी उस पर काफी सारे क्वेश्चंस भी लिखे थे, बालवीर से रिलेटेड, बालवीर 3 से रिलेटेड, स्टोरी लाइन से रिलेटेड, मेरी देव जोशी की लाइफ से रिलेटेड. सो ऑफ कोर्स मैं उन सब के जवाब दूंगा जितने भी हो सके. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड आफ्टरनून. यस, और आप इस लाइव के दौरान भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप क्वेश्चंस के सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. ओके, एंड द फर्स्ट वन इज फ्रॉम वसीम जी. बालवीर के हाथ में निशान क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है. ओके, सो जैसे कि आपने देखा था बालवीर सीजन 1 में, बालवीर के हाथ में परीतारा था, और फिर बालवीर रिटर्न्स में भी बालवीर के हाथ में एक निशान था जिससे आइडेंटिटी होती थी कि भाई बालवीर है कौन. लेकिन इस बार जो है वो बालवीर की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं सिर्फ एक लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार जो बालवीर की पावर्स है और कहीं ना कहीं जो महामहिम उत्तान है, ही सिलेक्ट्स द वन हु कैन बी बालवीर. तो बालवीर इस बार नॉट बाय फेट, बट कहीं ना कहीं एक काबिलियत के हिसाब से, एक क्या कहते हैं, जिसने उस लेवल तक अचीवमेंट किए हो उसे बालवीर की शक्तियां मिले, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार बालवीर को जो है कोई स्पेशल क्या कहते हैं फेट के हिसाब से नहीं दिया गया, बल्कि इट इज बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ वॉट यू नीड टू बी अ बालवीर. तो इसलिए इस बार बालवीर के हाथ में कोई भी निशान नहीं है. लंच हो गया जी, हमारा लंच हो गया, आप सबका लंच हो गया. यस, हेलो साहिल, हेलो नसीमा, नमस्कार. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें पूछा गया है अनुकल्प की तरफ से कि क्या बालवीर 3 सीजन 1 और सीजन 2 से कनेक्टेड है. बालवीर 3 जो है वो काफी अलग स्टोरी है. सीजन 1 और सीजन 2 जो हमने बनाई थी वो उस समय की, कहीं ना कहीं आज से 11 साल पहले जो एक माहौल था उससे रिलेटेड स्टोरी थी, वो जो जनरेशन थी. लेकिन आज हम एक डेकेड के बाद जब उसी किरदार को वापस ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नयापन चाहिए, एक आज की जनरेशन को मोटिवेट करे, एक मैसेज कहने का, एक क्या कहते हैं अब तक सच्चाई और अच्छाई का, पॉजिटिविटी मैसेज पहुंचाने का एक नया तरीका चाहिए. सो वही इस बार हम एक नए अंदाज में लेकर आए हैं. लेकिन ऑफ कोर्स बालवीर का जो किरदार है वो वही है, क्योंकि वो सच्चाई और अच्छाई का मसीहा है. सो मेकिंग श्योर दैट बालवीर इज द सेम, बट द स्टोरी लाइन जो उसके आसपास के कैरेक्टर्स है वो काफी अलग है. हेलो रिदम जी, हाय हाय सुहानी, हाय आशी. यस, सो वी हैव मेनी पीपल विथ अस टुडे. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीजन 2 बालवीर कैरेक्टर एंड सीजन 3 इज बालवीर कैरेक्टर. ओके, सीजन 2 का जो ये पूछा है हमें देबाश्री जी ने. सो सीजन 2 का जो बालवीर बालवीर रिटर्न्स का जो कैरेक्टर था वो कहीं ना कहीं कुआकी था, और क्या कहते हैं ज्यादा एक जो यंग जनरेशन का टोन होता है एंड जो कॉन्फिडेंस होता है वो था. लेकिन इस बार जो बालवीर 3 में बालवीर का किरदार है वो कहीं ना कहीं एक ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसमें, एक अपनी पावर्स को लेकर, अपने अपनी बात को लेकर है इज मोर श्योर. और आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बालवीर इज ऑलवेज स्ट्रांग ऑन हिज वर्ड. बालवीर जो मानता है वो हमेशा उस पर अड़िग रहता है, और चाहे कोई कुछ भी कह ले, फिर उसके साथी हो या फिर उसके सामने खड़े हो, वो अपनी बात पर अड़ग रहेगा, क्योंकि वो बात सच्ची है और अच्छी है. सो बालवीर इस बार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रुथ को, अपनी अपनी जो मांग है या फिर अपनी जो सच्चाई है, उसको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से रखेगा और हमेशा उस पर अड़िग रहेगा. इस बार ये आपको बालवीर 3 में, बालवीर के एक ट्रेट्स में एक नया ट्रेट देखने को मिलेगा. यस, हाय तपन जी, हेलो हेलो रेहान. सो यस, देर आर मैनी ऑफ द क्वेश्चंस फाउंड आउट बाय द सोनी लिव टीम. सो जस्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, यू पर्सनली रिलेट टू मोर टू देबू और वीर इन रियल लाइफ. समवन नेम देबन्या इज आस्क्ड दिस. ओके, सो देबू वॉज लाइक मोर ऑफ पढ़ाकू बच्चा जो चश्मीश
चश्मिश बचा था और कहीं ना कहीं डरा डरा सहमा सहमा रहता था। और बालवीर रिटर्न्स में भी जब बालवीर की शक्तियां छीन ली गई थी, सो ही बिकेम दैट क्या कहते हैं चश्मिश बॉय समवेयर। लेकिन बालवीर थ्री में जो है वीर का एक कैरेक्टर आपको आपने देखा होगा जो कहीं ना कहीं बालवीर से काफी सिमिलर है, बिकॉज बालवीर एंड वीर आर वेरी मच रिलेटेबल। वीर जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट है सिमिलरली जैसे बालवीर है, सिर्फ वीर और बालवीर में फर्क इतना है कि पावर्स नहीं है वीर के पास, लेकिन कहीं ना कहीं वीर का जो कॉन्फिडेंस है, जो उसका सच है या फिर जो उसमें हिम्मत है, एक क्या कहते हैं एक स्ट्रांग पॉइंट है, वो वीर का हमेशा इसमें आपको बालवीर के साथ देखने को मिलेगा। यस एम आई क्लियर एवरीवन? यस किसी को शायद नेटवर्क इश्यू है, जस्ट चेक द सेम। यप थैंक यू सो मच, थैंक यू अबू जी, नमस्कार। ओके सो अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालवीर थ्री में मल्टीवर्स दिखाएंगे कि नहीं, पूछा हमें जयेंद्र जी ने। बालवीर थ्री में मल्टीवर्स, ओके अब जैसे कि काफी सारी चीजें आप देख रहे होंगे अलग अलग दुनियाओं की स्टोरीज जब हम लाते हैं, सो बालवीर इस बार मतलब काफी सारी फिल्म्स है स्टोरीज है जो मल्टीवर्स पर बन रही है। सोनी लिव पे भी काफी सारा कंटेंट है जो मल्टीवर्स से रिलेटेड है, तो क्या इस बार बालवीर में भी मल्टीवर्स देखने को मिलेगा? डिपेंड्स जो भी स्टोरी की डिमांड होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सप्लोरिंग टॉपिक है और हर कोई इस बारे में सोचता है कि क्या अलग दुनिया है या फिर ऐसे ऐसी कोई जगह है जहां पे यहाँ से चीजें अलग होगी। सो ऑफकोर्स दैट्स अ पॉसिबिलिटी और आपको शायद नजदीक ही एपिसोड्स में देखने को भी मिले, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर इट। एंड मृदुल हैज आस्क मी, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और जाना है, थैंक यू सो मच मृदुल, पर आपने बालवीर के कैरेक्टर से क्या सीखा? ओके ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। दरअसल बालवीर के कैरेक्टर्स से पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है जो एक बालवीर के कैरेक्टर के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है, वो जो जो मेरी प्राइम एज होती है, एक मैं 12 साल का था जब हमने स्टार्ट की थी एंड नाउ 22, तो मेरा 10 साल का जो मेरा लाइफ है वो मोस्टली बालवीर के शूट के दौरान गया है और इस रोल को निभाते हुए गया है। सो इस दौरान जो भी मुझे आपसे प्यार मिला, जो भी सपोर्ट मिला, उससे मैं सीखा हूँ कि बालवीर जो है एक बहुत ही क्या कहते हैं जो पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक बहुत ही समझदार कैरेक्टर है, और कहीं ना कहीं उससे मुझे ही खुद नहीं बल्कि आप सबको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो एंड ऑफकोर्स देव जोशी एंड बालवीर का जो एक इंटर रिलेशन है, हम दोनों रियल लाइफ में और रियल लाइफ में एक जैसे ही है बिल्कुल, सो दैट्स वेरी रिलेटेबल। और कहीं ना कहीं जो भी एक हमने एक दूसरे को सिखाया है, क्योंकि बालवीर का कैरेक्टर जब फर्स्ट टाइम बना था तब किसी के पास आइडिया नहीं था कि व्हाट कैन बी द कैरेक्टर, लेकिन धीरे धीरे आपके प्यार के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ, फिर क्रिएटिव टीम फ्रॉम चैनल टीम, तो हम सब ने मिलकर फिर एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर बालवीर का बनाया जिसे आप सबने ढेर सारा प्यार दिया। हेलो ओके यस हैप्पी वाली वॉच, यस थैंक यू तन्मय क्रिएशन, यस थैंक यू सिमरन जी। भाई जो उदा का लोके द लोकेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव क्रिएटेड इन बालवीर रिटर्न्स, सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा हो कि भाई सिमिलर है लेकिन इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, यू कैन चेक इट। So now let's move to the next question. इथान has asked, बालवीर थ्री को सिर्फ 2 दिन क्यों दिखाया जा रहा है, हफ्ते में मंडे फ्राइडे क्यों नहीं? ओके अब देखिए पहली बात तो यह है कि जब इतना बड़ा शो हम बना रहे हैं या फिर इतना ग्राफिक्स है, इतने ट्रीटमेंट है और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन है, तो हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कहीं ना कहीं एपिसोड के चक्कर में या फिर फटाफट काम करने के चक्कर में जो क्वालिटी है वो शो का कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए हमने पहले डिसाइड किया कि इसे वीकेंड पे लाते हैं। सैटरडे संडे आपको एवरी वीक बालवीर के 2 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आप सोनी लिव पे तो कभी भी देख सकते हो, तो सोनी लिव पे चालू करो और बालवीर का एपिसोड देख लो जब भी चाहे मन करे, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम ऑन सोनी लिव, लेकिन सोनी सब पे आपको देखेगा सैटरडे संडे शाम को 7 बजे। एंड
बालवीर 3 में लव स्टोरी होगी, डिपेंड्स, वो तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार काफी डेवलपमेंट है, जो आगे की सीजन्स थे, आगे की स्टोरीज थी, उससे काफी ज्यादा अलग चीजें देखने को मिलेंगी. सो दैट डिपेंड्स कि आगे स्टोरी लाइन क्या आएगी, और वो तो आपको उसके लिए शो देखना पड़ेगा. आई नो कि थोड़ा एक वीक का इंतजार हो जाता है नया एपिसोड देखने के लिए, लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप जब आपको क्या कहते हैं एक आदत पड़ जाएगी, सो यू विल बी एक्साइटेड. तो आपको क्या पूरा वीक का थकान निकालने के लिए सैटरडे संडे को बालवीर का एपिसोड मिलेगा. ओके, नाउ समीर हैज आस्क्ड हु इज योर मेंटोर. ओके, तो मेरी पर्सनल लाइफ में मैं सच कहूँ तो मेरे मेंटोर है मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने हमेशा लाइफ के हर मोमेंट पे मुझे गाइड किया है, हमेशा सपोर्ट किया है. और कोई भी अगर मुझे प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी अच्छी बात होती है, सो आई शेयर विद देम फर्स्ट. सो दे हैव बीन मेंटर फॉर माय लाइफ. साथ ही साथ एक्टिंग में भी मेरी मॉम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. हमेशा बचपन से लेकर वो मुझे मेरे साथ सेट पे रहती है. सो इट इज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट कि कैसे मेरी मॉम ने मुझे सिखाया. मेमोरीज भी काफ़ी सारी जुड़ी है मेरे पेरेंट्स के साथ, रिलेटेड टू एक्टिंग, रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ. सो यस, दे आर माय मेंटोर फॉर माय होल लाइफ टिल नाउ, आई कैन से दैट. हाय त्रिशा, थैंक यू सो मच. थैंक यू देव जोशी आर्ट अंडरस्कोर देवियन, थैंक यू. आप इसमें भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जस्ट लेट मी चेक. द अभिषेक फ्रेंड हैज लाइक द एडिटिंग एंड VFX ऑफ द सीजन, थैंक यू सो मच. व्हेन इट विल कम मंडे टू सेट, अरे इंतजार कीजिए, पहले अभी सैटरडे संडे के दो एपिसोड्स एंजॉय कीजिए. ओके, एंड नाउ आई थिंक तेजस हैज आस्क्ड आप चांद पे कब जा रहे हो. ओके, सो आई एम जस्ट अवेटिंग. अब इस बारे में आपको अपडेट करूँ तो जो स्टारशिप है उसका टेस्ट होगा अगले महीने, जैसे कि आप सब देख सकते हैं SpaceX की वेबसाइट पे भी. तो जब एक बार उसका FAA अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा, एंड वंस इट इज डन देन वी विल गो फॉर ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग होगी कुछ महीनों की, एंड उसके बाद जो भी हमारा फ्लाइट प्रोग्राम है, जो आप DMO की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, सो यू विल कम टू नो देयर. और बहुत ही मजा आने वाला है ये प्रोजेक्ट में. तो बालवीर में आप इतना सारा प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन जब एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, सो दैट इज रियली रियली ग्रेट मोमेंट फॉर मी पर्सनली. एंड आई एम रियली प्राउड कि आप सब भी इस जर्नी में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, ऑरा इज आस्क्ड हु इज योर बेस्ट फ्रेंड ऑन सेट. ओके, सो बेस्ट फ्रेंड तो हमारी मतलब पूरी टीम ही है, क्योंकि बॉलीवुड सीजन 1 से सारे लोग जुड़े हैं. सो हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमारे क्या कहते हैं प्रोडक्शन की टीम है, चैनल की टीम है. सो कहीं ना कहीं वो जो ग्रुप है हमारा, वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है इतने सालों से. सो मोर देन क्या कहते हैं वर्क रिलेशंस, इट इज मोर ऑफ पर्सनल. अब सब फैमिली फ्रेंड्स जैसे ही हो गए. लेकिन साथ ही साथ अगर एक्टर्स में बात करूँ तो शशमा का जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, आदि भाई है, फिर साथ ही साथ महामहिम मुत्तान है, मेरी माँ का जो किरदार है, या फिर आप धरती लोक पे देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में जो फैमिली के कैरेक्टर्स है, वो आपको बालवीर में देखने को मिलेंगे. सबके साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बन गया है, और बहुत ही मजा आ रहा है उनके साथ सीन शूट करने में. एंड एवंट एवंट मतलब ज्यादा शूट नहीं हुआ हमारा आगिल जी के साथ, लेकिन ऑफकोर्स जो भी फाइट सीन्स और जो भी आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. मतलब मजा आता है सेट पे जब हम शूट करते हैं. सो इट्स इट्स लाइक होम मोर देन अ सेट. सो यस, काफी सारी मेमोरीज है. एंड काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं, और यही नेक्स्ट सवाल है कि इस बार तौबा तौबा या फिर डूबा डूबा या फिर श्रीधर भाई, जो हमारे बालवीर के हमेशा कांस्टेंट रहे हैं, वो इस बार आएंगे कि नहीं. आई कैन अश्योर यू इट 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 इज पॉसिबल. तो बस थोड़ा और इंतजार कीजिए, काफी सारे एपिसोड्स अभी तो आने हैं. सो जस्ट वेट एंड वॉच, एंड आने वाले एपिसोड्स में आपको हो सकता है जरूर श्रीधर भाई यानी किसी अलग किरदार में, किसी अलग रोल में आप क्योंकि ऑफकोर्स वो बेस्ट फ्रेंड है मेरे इतने साल से. सो आई होप यू विल कम टू नो दैट अबाउट सून. और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है आगे. वाई नॉट 1 आवर एपिसोड, अरे अभी अभी आधे घंटे का एपिसोड है. सो सैटरडे संडे इट्स हाफ हाफ आवर, तो वीकेंड का 1 घंटे का एपिसोड हो गया. आप एक साथ देख लो एपिसोड, तो आपको 1 घंटे का एपिसोड मिलेगा.
आपका सेट शूटिंग लोकेशन, हम शूट करते हैं स्पेस में, हम यहाँ ना शूट करते, हम बालवीर की तो दुनिया ही अलग है, उदा का लोक है, फिर शाश्वान लोक है, तो हम यहाँ शूट ना करते, हम तो बहुत दूर शूट करते हैं। सो रवि हैज आस्क्ड, क्या सीजन 3 में अर्थ के लोगों को पता होगा कि बालवीर कौन है? ये डिपेंड करता है आगे आने वाली स्टोरी पे, एंड आई कैन से कि कहीं ना कहीं एक बार जो वीर और बालवीर का जो डिफरेंस है वैसे हमेशा हमने रखा है। सो जो वीर के किरदार में होगा, सो नो वन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको जो एक स्टोरी में प्ले मिलता है। सो यस, यू विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट इन द अपकमिंग एपिसोड्स, एंड आई एम श्योर इट विल बी इंटरेस्टिंग। हाय प्रकाश जी, नमस्कार नमस्कार। हाय बॉनी, हाउ आर यू? हेलो स्वप्निल, यस यस, वाइल वेटिंग फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बस अभी तो कितना थर्सडे है आज, सो बस 2 दिन का इंतजार, एंड यू विल गेट 2 new episodes ऑफ बालवीर टू वॉच। नेक्स्ट, खुशी हैज आस्क्ड, महाजादू के बारे में कुछ बताइए। महाजादू, सो यस, महाजादू जो आपने देखा होगा आगिल के हाथ में, जो आगिल ने निर्माण किया है बालवीर को मारने के लिए, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन एवर क्रिएटेड टू किल बालवीर, बालवीर को मारने के लिए बहुत ही शक्तिशाली हथियार बनाया है विलन ने, और वो चाहती है कि इससे मैं बालवीर को मार दूं, और कहीं ना कहीं उत्तान भी जो है वो बालवीर को इससे आगाह कर रहे हैं, इस लाइक मेकिंग श्योर कि बालवीर कहीं ना कहीं लापरवाह ना हो जाए। लेकिन बालवीर इज कॉन्फिडेंट कि इस बार जो भी होगा, इट इज ऑलवेज, क्योंकि आप सबको पता है एंड में जीत अच्छाई और सच्चाई की होती है, सो दैट्स अ प्ले कि हाउ महाजादू के सामने भी बालवीर टिकेगा एंड हाउ बालवीर विल फाइट दोज पावर्स। हेलो नमस्कार बबलू मलिक जी, यस 2 दिन 2 महीने जीतने, यू हैव टू वेट, बट यस यस, नमस्कार सुशील जी। एंड नेक्स्ट इज अभिषेक, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे बैलेंस रखते हो? अभिषेक हैज आस्क्ड दिस, सो ऑफकोर्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का जो बैलेंस है वो मैंने कहीं ना कहीं बचपन से सीखा है, एंड एज आई सेड बालवीर की शूटिंग इतने सालों से कर रहे हैं, सो मैं 7th में था तब हमने शूट स्टार्ट किया था, एंड सिंस देन मैं स्कूल जाता था अहमदाबाद में, शूट होती थी मुंबई में, सो दैट इज ऑलवेज बिन फ्लक्चुएशन फॉर मी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, एंड साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल के, एंड ऑल ऑफ माय टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं शूटिंग और स्टडी दोनों मैनेज कर सकूँ और साथ ही साथ दोनों लाइफ एंजॉय भी कर सकूँ, सो इस हिसाब से हमने कहीं ना कहीं सीखा है। एंड अभी तो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी में, सो यस आई एम एंजॉइंग माई स्टडीज, और मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टडीज हमेशा यूं ही चलती रहे नो मैटर वॉट, सो यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यस दैट्स हाउ आई मैनेज बिटवीन बोथ ऑफ इट। एंड निपुण हैज आस्क्ड, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? सो पर्सनली तो मैं चाहता हूँ हमेशा एज एन एक्सप्लोरर, एक क्या कहते हैं इंसान के तौर पर, जो भी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सके इस धरती पर, नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़ें सीखना, सो आई वॉन्ट टू कीप डूइंग दैट। ऑफकोर्स बालवीर हैज ऑलवेज बिन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड एज एन एक्टर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो भी किरदार करूँ समाज में एक पॉजिटिविटी लाए, एक सकारात्मकता लाए, आप सबको कुछ सिखाए, सो दैट आई हैव ऑलवेज मेड श्योर, इसलिए बालवीर का किरदार मेरे दिल के इतने करीब है। साथ ही साथ आपको पता है डियर मून का प्रोजेक्ट है जो आने वाले कुछ महीनों में इट शुड बी हैपनिंग, सो देखते हैं, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। फिर नेक्स्ट बात है, मुझे कहीं ना कहीं पायलट ट्रेनिंग भी करनी है, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू बी अ स्काई डाइवर, सो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहूँ, नए नए देशों में घूमूँ, जो इतनी खूबसूरत दुनिया हमारे भगवान ने बनाई है, तो हम उसे देखें, उसे एन्जॉय करें, एंड एज ए ह्यूमन बींग जितना भी एक्सप्लोर कर सके वी शुड डू इट। सो आई होप आप भी यही गोल लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, एंड कहीं ना कहीं कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना पड़े, बल्कि साथ ही साथ आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपने पर्सनल क्या कहते हैं ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ सीखे, एंड एवरीडे आप कैसे एक बेहतर इंसान बने वो आप मेक श्योर करें।
थैंक यू सो मच, थैंक यू. इंडियन अफेयर्स के बारे में कुछ बताएं. इट्स अ स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच रिलेशंस, और उसके बारे में स्टडी होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में. सो वही मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, और साथ ही साथ डिप्लोमेसी की, हाउ यू कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, रिजोल्यूशन कैसे होते हैं, डिप्लोमेसी क्या होती है, हाउ यूनाइटेड नेशंस वर्क, हाउ द यूरोपियन यूनियन इज वर्किंग. सो ये सब स्टडी होती है उसमें. मज़ेदार है. थैंक यू सो मच फ्रॉम वाइजैक, थैंक यू. And we have few more questions. And who's your favorite character in this season? Balveer. Balveer तो हमेशा favorite है मेरा. लेकिन of course मैं कहूँ मैं select नहीं कर सकता, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे किरदार हैं हमारे शो में, इतने अच्छे अच्छी points आते हैं कि आप क्या ही बताएं. जैसे आप उत्तान को देखें, सो एक powerful character है जो एक सुपर पावर के साथ हर किसी को मेंटेन करता है. बालवीर को शक्तियाँ उन्होंने दी है, जो लॉ व्यवस्था है पूरे शशमा लोक की, उदाका लोक की, वो सब मेंटेन करते हैं. कहीं शशमा को देखे तो वो उसकी भी हिस्ट्री है जिसे वो लेकर आया, और उसका बालवीर के साथ 36 का आंकड़ा है, तो वो हमेशा फाइट करता रहता है. साथ ही साथ बालवीर की माँ का किरदार है, जिसके साथ एक इमोशनल और प्योर बॉन्ड जो हर माँ बेटे का होता है, वो आपको देखने को मिलता है. साथ ही साथ विलन है, तो आगील का जो कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल है. और अंधेर है, तेतरा है, धरती लोक पे आप आगे आएंगे तो नए नए कैरेक्टर्स मिलेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, कि आप एक कैरेक्टर से प्यार नहीं बल्कि हर कैरेक्टर से प्यार करते हैं. और आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में भी ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आप रिलेट कर पाएंगे कि भाई ये ये ऐसा है. सो दैट्स हाउ वी मेक द शो, मेक द कैरेक्टर्स एंड एवरीवन रिवॉल्विंग अराउंड योर लाइफ, सो आप भी पर्सनली रिलेट कर सके और बहुत ही उसे हमेशा क्या कहते हैं, इतना प्यार जो दे रहे हैं उसे कंटिन्यू रख सके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहे शाश्वान? ओके, सो जब हम कहते हैं शाश्वान रहे, सो दैट मीन्स हमेशा के लिए रहे. जो आपने उत्तान ने जो दुनिया बनाई है, जो शाश्वान लोक बनाया है, वो हमेशा रहे. वी जस्ट ब्लेस्ड फॉर इट कि the Shashwan Lok, the people of Shashwan should always thrive no matter what happens. Rahe Shashwan, Shashwan Rahe, that's the meaning of it. So it's just till the eternity, jab tak samay hai tab tak Shashwan Lok ka astitva rahe. That's unique something. बहुत मेहनत की है भाई हमारी प्रोडक्शन की टीम ने, सोनी की टीम ने, इस शो को क्रिएट करने में. आपने तो मतलब अभी तो दो एपिसोड ही देखे हैं, लेकिन इसकी मेहनत पिछले 8 महीने से चल रही है. वी आर क्रिएटिंग ग्राफिक्स और फिर स्टोरी लाइन, और उसके बाद जब हमने शूट स्टार्ट किया 2.5 महीने पहले, सो शूटिंग में भी वी हैव टू रीशूट सम सीन्स. फिर साथ ही साथ इमेजिनेशन करना, क्रोमा पे शूट करना, फिर रियल लाइफ में हार्नेस के सीन्स करना. एंड आप काफ़ी सारे बिहाइंड द सीन्स भी देख रहे होंगे. सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, और एज एन एक्टर भी, एज एन पर्सन भी काफ़ी कुछ मज़ा आता है, नया नया सीखने को मिलता है. सो इट्स इंटरेस्टिंग. और चीयर्स टू द होल टीम ऑफ बालवीर 3, जिन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस शो को आप तक पहुँचाने के लिए. और इसका मेन रीज़न है आप सबका प्यार, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा काम, इतना अच्छा शो, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन बना पाते हैं. Okay, and so that's it. That's the questions I got from your end, and any other questions I just need to see here. How many actors are there? वो तो आपको आगे आने वाले episodes में अभी नए actors की entry होगी, नए characters की entry होगी, तो आपको देखने को मिलेगा. हाय श्रिया जी, नमस्कार जी. जी रमदान मुबारक आपको भी, ढेर सारा प्यार, और साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो आपको भी उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं. एंड बहुत ही अभी फेस्टिवल का माहौल है, और साथ ही साथ बस 2 दिन बाद बालवीर के और दो एपिसोड आएंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट, बहुत मजा आने वाला है. रानी परी है कि नहीं? ओके, सो लाइक एज आई सेड इन द अर्लियर सेशन ऑफ लाइफ, इस बार जो महामहिम उत्तान है, दैट इज द अल्टीमेट पावर. सो रानी परी इज नॉट अ कैरेक्टर, बट इट्स अबाउट द पावर, जो पावर आपके हाथ में होती है, जो आप सब कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज आप सीजन 1 में देखे तो उस समय के कहीं ना कहीं जनरेशन के हिसाब से रानी परी का कैरेक्टर वॉज मोर अपीलिंग, मोर सूटेबल. लेकिन जब आप आज की जनरेशन में आते हैं, तो एक महामहिम उत्तान वाला जो कैरेक्टर है, दैट इज समवेयर रिजेंबलिंग टू इट, क्योंकि इट इज द अल्टीमेट पावर, द सुपर पावर, जो आप देख सकते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं. और कहीं ना कहीं महामहिम उत्तान है जो आपको, बालवीर को शक्तियाँ देते हैं, उनके पास कंट्रोल है शाश्वान लोक का. सो दैट इज द मेन कैरेक्टर यू आर सीइंग इन बालवीर 3. थर्ड एपिसोड आएगा भाई सैटरडे को. सैटरडेज
आज मार्च 23 है, 24 और 25 तारीख को, 25 मार्च को आएगा बालवीर का नया एपिसोड। यस, बाल परी आएंगी क्या, शर्मिली जी, एंड यस ऑफ कोर्स शी हैज बीन प्लेइंग सच इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर पास्ट टू सीजन्स, लेकिन इस बार आपको किस किरदार में दिखेंगी, यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं आप सबको निराश नहीं करना है, आप सबका ढेर सारा प्यार है, तो आप चाहते हैं वही होगा। सो यस, आई होप आपको आने वाले एपिसोड्स में एक नए किरदारों के साथ कुछ देखने को जरूर मिलेगा। जी 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 ऑफ कोर्स। हेलो हेलो मुकुल जी, नमस्कार। यस, सो ऑफ कोर्स दैट्स इट। आई थिंक बालवीर 3 में इतना सारा प्यार आपने दिया है, एंड आप सोनी सब पे तो एपिसोड्स देख ही रहे हैं, लेकिन आप सोनी लिव पे भी कभी भी आप आए और बालवीर के इस दुनिया में डूब जाए, क्योंकि बालवीर सीजन 1 के 1111 एपिसोड, बालवीर रिटर्न्स के 300 से ज़्यादा एपिसोड्स, एंड व्हेन इट कम्स टू बालवीर 3, तो सोनी लिव पे आप वो एपिसोड कभी भी देख सकते हैं। एंड सो देखिए बालवीर को ढेर सारा प्यार जो आपने अब तक दिया है उसे देते रहिए। थैंक यू हितेन जी, नमस्कार। हेलो मनिक, हाय हाय करण, थैंक यू। सीजन के आगे की स्टोरी जाननी है, ओके यस यू विल कम टू नो। स्टोरी मैं बता दूंगा तो मज़ा कैसे आएगा, सो यस जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत ही मज़ा आने वाला आगे वाले एपिसोड्स में, आगे आने वाले एक्टर्स में, कैरेक्टर्स में, और यू विल बी इंटरेस्टिंग कि भले ही तो एपिसोड है लेकिन मज़ा आ गया, आपको पूरे वीक का डोज मिल जाएगा। एंड बस ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए, सोनी लिव पे भी बालवीर को देखते रहिए, साथ ही साथ नई नई सीरीज, नई नई फिल्म्स को भी देखते रहिए, एंड ढेर सारा प्यार जो अब तक आपने बालवीर को दिया है वही बना के रखिए। थैंक यू, मैं भी चाहता हूँ आप सब हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे। टेक केयर एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।